अब हम लोग बात करते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो टास्क क्या है, आखिर ये टास्क ऑफ द डे क्या है और ये आपको कैसे इसको यूज़ करना है, ओके, और ये आपको कहाँ से मिलेगा। तो ये जो टास्क ऑफ द डे है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, आप इस ग्रुप को देख सकते हैं, क्लब आई एस एस्पिरेंट, और ये किस पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और इसमें आपको दो मैसेज सबसे लास्ट में मैं करता हूँ, जब मैं पहले स्टडी मटेरियल सेंड कर देता हूँ उसके बाद में दो मैसेज करता हूँ मैं, एक आपको इस तरह का मैसेज दिखता होगा और एक इस तरह का मैसेज दिखता होगा, ओके। तो इन दोनों मैसेज को आप देख लीजिए और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को कैसे यूज़ करना है अब इस पर हम लोग बात करते हैं, ओके। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एक विशेष बात दिखाता हूँ, जो पहला वाला मैसेज है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए मैं इसमें बता देता हूँ कि जैसे कि टास्क नंबर 11, ओके, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ईवीएस ओपन हो जाएगी और इसमें देखिए आप देख सकते हैं 1 मंथ का प्लान मैं पूरा दे देता हूँ, इसी प्लान में से मैं देखिए डेली का डेली इसमें लिख कर देता हूँ, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टास्क नंबर 11 अभी हमारा वर्तमान में चल रहा है और ये 17 से 21 सितंबर के बीच में आपको एक एनसीईआरटी पढ़नी है जिसका नाम है द थीम्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री और ये पार्ट 1, यानी कि इस हिस्ट्री को आपको पूरा पढ़ना है इन दिनों के अंदर, ओके, यानी कि 17 से 21 सितंबर के बीच में आपको इसको पढ़ना है और डेली आपको 50 से 60 पेज अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आप इसे आराम से कवर कर लेंगे, ओके। तो नंबर एक तो आपको ये करना है। अब देखिए सारी चीज़ें आप ध्यान से देखिए, स्किप ना करिए वरना आप फिर से कन्फ्यूज हो जाएंगे, ओके। अब देखिए ये एनसीईआरटी है, अब आप गांव में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, आपके पास अभी नहीं है, ओके, तो आपको पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो आप बार बार मुझसे मांगेंगे तो परेशान होंगे, इसीलिए मैंने एक इसका अल्टरनेटिव निकाला है कि आपको मैं यहां पर लिंक दे देता हूं। जो पहला वाला मैसेज आपको दिखेगा इसी में दो लिंक भी आपको दिखेंगे जिसमें मैंने लिखा है एनसीईआरटी हिंदी, ओके, और एनसीईआरटी इन इंग्लिश। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस पीडीएफ पर आप जंप कर जाएंगे, यानी कि रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पर जाकर के आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल या फिर अपना जो भी लैपटॉप है किसी भी चीज़ में आप पढ़ सकते हैं, ओके। तो आपकी ये समस्या दूर हो गई कि आपको ये एनसीईआरटी कैसे कवर करना है, आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, ओके। अब इसके अलावा अब ये दूसरा वाला मैसेज आखिर क्या है, ओके, तो इसके बारे में देखिए मैंने यहाँ पर देखिए आपको कुछ बात लिखी है, ये आप ध्यान से पढ़ा करिए डेली, ओके, कि आपको इसमें क्या क्या रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, जो ये वाला, ओके, ये दूसरा वाला मैसेज है आखिर ये क्या है और इसको हम लोग बहुत विस्तृत रूप में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेट, ओके, जैसे कि 27 तारीख है और यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर का महीना चल रहा है 2020, ओके, और हमारा जो प्रोग्राम का है ये 52वां दिन है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि 52 डेज हमारे प्रोग्राम को चलते हुए हो गए हैं। अब देखिए अगर आप आज से ज्वाइन हो रहे हैं या फिर इसके बाद से ज्वाइन हो रहे हैं फिर भी आप परेशान न होइए, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं आपको इस तरह का जो मिलेगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो भी हो रहा है आप उतना करिए, जो नहीं हो रहा है उसके इसके ऊपर दीजिए, क्योंकि मैं एवरी ईयर 2 बैच स्टार्ट किया करूँगा। जैसे अभी एक हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, इसके बाद जनवरी में एक हमारा और बैच स्टार्ट होगा, ओके, तो हर साल हमारे 2 बैच चला करेंगे, तो आप लोग परेशान ना होइए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है टास्क ऑफ द डे, ओके, तो इसकी देखिए अच्छे से देखिए क्योंकि आप कन्फ्यूज बिल्कुल भी ना होइए, ओके। देखिए यहाँ पर लिखा है टास्क ऑफ द डे, ओके, अब इसमें देखिए आपको 5 टास्क मिलते हैं डेली, ओके। चलिए हम इन 5 टास्क के बारे में बात करते हैं। तो पहला टास्क है जिसमें मैं बताता हूँ आपको कौन सी एनसीईआरटी इस दिन को पढ़नी है और उस एनसीईआरटी के कितने पेज आपको पढ़ने हैं। तो देखिए ये हिस्ट्री है, जो हमने पहला वाला मैसेज था उसमें मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसी में पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा, ओके। तो मैंने यहाँ पर बस उसको इंक्लूड कर दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिस्ट्री की जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसे आपको पढ़ना है। और देखिए मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ कौन सा पार्ट पढ़ना है, 1st, 2nd, 3rd, ओके। तो यहाँ पर 3rd पार्ट है, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है और इसमें देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि स्टार्टिंग के 55 पेजेस पढ़ने हैं, यानी कि आज के दिन आपको 55 पेज आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, अगर आपने ये नहीं पढ़े तो आप फिर से पीछे होते जाएंगे। तो इतना आपको कम से कम कवर करना है, अगर आप ज़्यादा कवर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और इसको कैसे पढ़ना है, आपको इसको स्टोरी की तरह पढ़ना है इस एनसीईआरटी को, इस पेज जो यहाँ पर, इसके बाद अब जो कल का टास्क आएगा तो उसमें मैं बताऊँगा कि नेक्स्ट 55 पेजेस या 50 पेजेस पढ़ने हैं। तो इन 55 पेज के बाद अगले दिन आपको और 55 पेज उसके पढ़ने हैं, इसी तरह ये 2-3 दिनों में कवर हो जाएगी, ओके। अब देखिए पहला वाला तो कवर हो गया हमारा,
कि जो हिस्ट्री है इसको आपको कैसे पढ़ना है, आपको इसको रीड करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे जो भी होंगे आप की पॉइंट नोट कर लीजिए। ओके, इसके अलावा जो दूसरा वाला यहाँ पर पॉइंट दिया रखा है रिवीजन का, अब देखिए रिवीजन ये थोड़ा सा आप यहाँ पर अच्छे से समझिए रिवीजन के बारे में। अब देखिए जो लोग मुझसे एक महीने पहले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ज्योग्राफी मेरे साथ खबर कर ली है, वो तो रिवीजन कर सकते हैं। ओके, यानी कि उनके लिए मैंने बता दिया कि टास्क नंबर 6 का उनको रिवीजन करना है। लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन हुए या फिर आप ज्वाइन बाद में होंगे, ओके, अभी जैसे कुछ स्टूडेंट है वो वीडियो को बाद में भी देखेंगे, तो आप अगर बाद में देख रहे हैं तो कोई आप परेशान न होइए, उस वक्त हो सकता है मैं यहाँ पर टास्क नंबर 11, 12 जो भी होगा उसका रिवीजन करने को भूलूंगा। ओके, तो आपको क्या करना है, ये रिवीजन आपको नहीं करना है, क्योंकि आपने तो ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है, इस टास्क के बारे में आप जानते ही नहीं हैं, तो आप इसको अभी छोड़ दीजिए। ओके, इस वाले टॉपिक को न्यू स्टूडेंट को छोड़ देना है, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज करना है इसको। अगर वो रिवाइज नहीं करेंगे, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी पढ़ रहे हैं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन, तो आपको रिवीजन करना है। अब देखिए रिवीजन में भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जैसे मैं कभी कभार बोलता हूँ कि आपको 1/4 भाग इसका स्टार्टिंग का रिवीजन करना है, तो 1/4 भाग का मतलब क्या है, ओके, ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो इसका मतलब है जैसे कि अगर आपने नोट्स बनाया किसी का, ओके, नोट्स में आपने 10 पेजों में 6 क्लास के एनसीईआरटी का नोट्स बनाया सपोज डैट, ओके, तो 6 पेज में आपने नोट्स बनाया है, तो इसका 1/4 कितना होगा, यानी कि 10 का आप 4 भाग करेंगे तो जो चौथा भाग होगा उसको आपको रिवाइज करना है उस पूरे भाग को, तो यानी कि लगभग में आपको 2.5 पेज, यानी कि 2 से 3 पेज आपको आज रिवाइज करना है। फिर इसके बाद मैं दूसरे दिन बताऊंगा 1/4 भाग आज फिर से आपको रिवाइज करना है, यानी कि अगला जो 1/4 भाग होगा उसको आपको रिवाइज करना है। फिर मैं ऐसे बोलूँगा कि 1/4 भाग आपको फिर से रिवाइज करना है, यानी कि इसके बाद जो अगले होंगे यानी कि 2 से 3 पेज वो आपको रिवाइज करने हैं, फिर उसके बाद के जो रिवाइज करने हैं। ओके, तो रिवीजन का पर्पस यही होता है कि मैं आपको एक साथ ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको पूरा टास्क का रिवीजन करना है, क्योंकि टास्क काफ़ी लंबा होता है, इसीलिए मैं उसको 2-3 दिनों में कहता हूँ कि आप इसको हल्के हल्के रिवीजन करिए, क्योंकि अभी मैं आपको बहुत कम टास्क देता हूँ। ओके, आप देखिए चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, एडिटोरियल। आखिर ये एडिटोरियल क्या है, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये एडिटोरियल है ये न्यूज़पेपर से आपको मिलेगा। ओके, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जिस भी मीडियम से हैं उस मीडियम का आप न्यूज़पेपर लीजिए, उसमें पढ़िए। न्यूज़पेपर आप हार्ड कॉपी में लीजिए, लेकिन अभी आपके लिए अवेलेबल नहीं है लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन खुल गया लेकिन फिर भी लोग अपने अपने घर चले गए, जैसे कि मैं भी अभी बाहर आया हूँ। ओके, तो आप भी मेरी तरह अगर अपने घर आ गए हैं तो आप वहाँ पर न्यूज़पेपर नहीं मिल पा रहे, तो उसके लिए मैं PDF दे देता हूँ। PDF आपको हमारे ग्रुप में मिलेगी, ग्रुप में सारा स्टडी मटेरियल मैं सेंड करता रहता हूँ, तो वहाँ पर आपको डेली न्यूज़पेपर मिलेगा, वहाँ से आपको ये एडिटोरियल मिल जाएगा। ओके, अब इस एडिटोरियल का क्या करना है, इस एडिटोरियल को आपको पढ़ना है, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है एक तरह से, और उसके बाद अपने शब्दों में लिखना है 50 से 60 वर्ड। अगर आप 100 लिखना चाहते हैं, 200 लिखना चाहते हैं, लिखने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करना है। ओके, तो यानी कि जैसे कि अगर बेरोजगारी पर या किसान के जो किसान विरोध कर रहे हैं उस पर एक एडिटोरियल आया है, उस एडिटोरियल को आप पढ़िए कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपने शब्दों में लिखिए। ऐसा नहीं है कि उसमें से कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपने उस एडिटोरियल को पढ़ने के बाद क्या समझा है उसको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करिए, और इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करिए जो पढ़ने वाले को लगे कि यार ये क्या लिख रहा है। कुछ टेक्निकल जैसे कुछ शब्द होते हैं, हर सब्जेक्ट के अपने होते हैं, तो आपका लगना चाहिए कि हाँ UPSC के एस्पिरेंट, अगर आप स्टार्टिंग अभी किए हैं तो आप परेशान होंगे, जैसा आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बाद में मैं आपका इम्प्रूव करा दूंगा जब हमारा मेंस का चलेगा। ओके, अब देखिए इसके बाद आता है कि जो चौथा हमारा टास्क है उसमें शाम को 5 बजे टेस्ट होता है। अब देखिए ये चौथा वाला है, इसमें आपको देना है टेस्ट, और टेस्ट होता है शाम को 5 बजे, डेली टेस्ट होता है, ये हमारे ग्रुप पर होता है जो टेलीग्राम ग्रुप है। आप जब आएंगे सर्च करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर क्लब बाई सस्पेंड, जब इस पर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिस्कशन का, नीचे यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर आपको म्यूट दिखेगा, यहाँ पर डिस्कशन दिखेगा। ओके, तो आप जब डिस्कशन वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारे एक दूसरे चैनल पे आप जंप हो जाएंगे जहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा डेली टेस्ट होता है, टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, और ये टेस्ट होते हैं ये अभी फैक्चुअल होते हैं। ओके, कैसे होते हैं, फैक्चुअल होते हैं और ये NCERT पर बेस होते हैं, यानी कि जो UPSC का पैटर्न होता है उस पर अभी मैं क्वेश्चन नहीं देता हूँ, जिससे आप अभी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि अभी दे दूंगा तो आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तो फ्रस्ट्रेशन से आपको बचाने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए
और साथ में आपका रिवीजन होता रहे फास्ट तरीके से। इसीलिए मैं जो सिंपल एकदम क्वेश्चन होते हैं वो आपको अभी देता हूँ, ओके। अब देखिए इसके बाद जो पांचवा टास्क आपको मैं देता हूँ वो मैपिंग का देता हूँ। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैपिंग का टास्क है। इसको कैसे कवर करना है, आखिर क्या है? अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिख के देता हूँ सामने, इसको कैसे आप समझना है, ओके। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैपिंग टास्क, फिर इसके बाद लिखता हूँ आपको किस कॉन्टिनेंट में या किस जगह पर ये सारी लोकेशन मिलेंगी। जैसे मैंने इसमें लिखा है अफ्रीका, तो यानी कि अफ्रीका के आसपास मिलेंगे। और कौन से अफ्रीका के, तो कई सारे मैप होंगे, तो उसमें आपको देखना है। देखिए मैप, जो भी मैप होता है उसके दो होते हैं, एक फिजिकल मैप होता है और एक पॉलिटिकल होता है, ओके। जो पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप, मैं दोनों की लोकेशन देता हूँ, पहले मैं फिजिकल की देता हूँ फिर मैं पॉलिटिकल की देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पहला लिखा अफ्रीका, ओके। फिर दूसरे नंबर पर मैंने लिखा यहाँ पर कि आपको फिजिकल मैप देखना है ना कि पॉलिटिकल। आपको ये सारी चीज़ें हैं वो ध्यान से देखनी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी लोकेशन है ये आप देखिए, इनको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन्हें एक मैप पर खोजना है। अब देखिए मैं नेक्स्ट मैंने शायद स्लाइड में डाला होगा, ये देखिए, ओके। ये देखिए इस तरह से आपको मैप को कवर करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मैपिंग का टास्क है, आपको इस तरह का टास्क मिलेगा। इन सारी लोकेशन को आपको एक मैप पर खोजना है। इसके लिए आपको एक एटलस लेना पड़ेगा। अगर आपके पास अभी एटलस नहीं है तो आपको पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी है, ओके। नहीं है अभी आपके पास तो मैसेज कर दीजिए, मैं रीसेंड कर दूंगा, ओके। अब देखिए आपको इस तरह से लोकेट करनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सारी लोकेशन को इस तरह से आपको लोकेट करके सेंड करना है ग्रुप में। फिर उसके बाद क्या करना है, एक ब्लैंक मैप लेना है। इस ब्लैंक मैप पर इन सारी लोकेशन को आपको इस तरह से लोकेट करना है, ओके। आप इस तरह से आप देख सकते हैं इन सारी लोकेशन को आपको यहाँ लिखना है। अब देखिए आपके पास ब्लैंक मैप नहीं है तो आप हाथ से बनाने की प्रैक्टिस करिए। अगर आप हाथ से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब देखिए मैप कैसे बनाया जाता है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो मेरे यहाँ पर ये पेन है वो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं। पहले अगर इंडिया का मैप बनाना है तो आपको पहले इधर इस तरह से बनाना है, ओके। फिर आपको देखिए मैप होता है वो जो हम लोग बनाते हैं वो पैमाने पर बेस नहीं होता, वो एक खाका होता है, ओके। एक एक खाका होता है वो पैमाने पर बेस नहीं होता, इसलिए आप कैसा भी बना सकते हैं लेकिन उसको कुछ ढांचा लगना चाहिए, हाँ इंडिया ही है। अब इंडिया का भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान बन गया, ये इंडिया है वो आपने अमेरिका की तरह बना दिया। कुछ पहचान में आना चाहिए कि हाँ वो इंडिया है, ओके। तो आपको किस तरह से बनाना है मैं आपको बता रहा था। तो आपको देखिए कुछ इस तरह से मैप बनाना है। तो आपको देखिए पहले एक तरह ऐसे करना है, इस मैप को आप ध्यान से देखिए, आप मैप बनाना बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आपको ऐसे करना है, फिर एक बार ऐसे लेके आना है, फिर ये ऐसे लेके आना है, फिर एक बार ऐसे करना है, फिर देखिए ऐसे ऐसे करके ऐसे करना है। फिर यहाँ पर देखिए कच्छ के ऊपर आपको राजस्थान के इधर जाना है। अब इस तरह से आपको जाना है, फिर आपको यहाँ पर दो बार इस तरह से करना है और फिर इस तरह से करना है। अब देखिए ये कुछ मैंने अभी देखिए यहाँ पर बनाया है, बल्कि कंप्यूटर पे बनाया है, फिर भी आप देख सकते हैं कि ये लग रहा है ना थोड़ा सा कि हाँ इंडिया ही, ऐसा तो नहीं लग रहा है ये पाकिस्तान या बांग्लादेश या और कुछ है, ओके। तो इस तरह से आपको बना करके उस पर प्रैक्टिस करना है। और दूसरी बात आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि जब आप यहाँ पर देखिए इस तरह से आपने लोकेट कर लिए, ओके कर लिए, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबरिंग करनी है 1 2 3, बल्कि नाम नहीं लिखने हैं, क्योंकि नाम लिखने से क्या होता है कि बार बार आपको जब सामने एकदम ईजी होता है ना तो आप लोग नहीं पढ़ते हैं। आप जब नंबरिंग करेंगे तो आपको ऐसे यहाँ पर मान लीजिए आपने नंबरिंग की, ओके फोर्थ नंबर, तो आपको समझ में आएगा कि यार यहाँ पर मैंने फोर्थ नंबर लिखा है, यहाँ पर क्या है, ये लोकेशन क्या है, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये हो सकता है चिल्का झील होगी, या फिर ये मैंने हो सकता है मैंने यहाँ पर बंगाल का डेल्टा हो, ओके जो गंगा का डेल्टा है वो बनाया हो। तो आप जब कंफ्यूज होंगे तो एक बार देख लीजिए फिर से अपनी जो बुक है एटलस है उसको खोल के देख लीजिए, तो आपका रिविज़न भी हो जाएगा, ओके। तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे आपने लोकेट करके यहाँ पर लिख दिया 5 नंबर। अब आप यहाँ पर सोचेंगे यार ये ऊपर वाला है, ये यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये मुंबई है या गोवा है, दोनों आसपास में है तो समझ में नहीं आ रहा है कि मुंबई ऊपर है या गोवा ऊपर है। तो यहाँ पर अगर मुंबई गोवा आप डायरेक्ट लिख देंगे तो आपके माइंड पर इतना ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप नंबरिंग करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा जब आप रिविज़न करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा यार मैं अभी कन्फ्यूज़ हूँ कि गोवा ऊपर है या मुंबई ऊपर है।
तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये ऐसा है, तो आपको कंफ्यूज हो तो आप फिर से एटलस खोलिए, देख लीजिए एक बार, आपका क्लियर भी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से करना है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, जितनी मैं लोकेशन देता हूँ, जैसे मैंने अफ्रीका की जितनी लोकेशन दी, मान लीजिए अफ्रीका की लोकेशन, तो अफ्रीका के जो लोकेशन हैं उन्हें नंबर एक से स्टार्ट करिए, और डेली मैं देखिए नंबर वन से स्टार्ट करता हूँ। ओके, मैं डेली नंबर वन से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आपको डेली नंबर वन से स्टार्ट नहीं करना है, जब नया कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो तभी नंबर वन से फिर से करना है। लेकिन जैसे अफ्रीका चल रहा है तो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री चलाते रहिए, जब जब तक अफ्रीका फिनिश नहीं हो जाता, चाहे 150 लोकेशन हो जाए, चाहे 200 लोकेशन हो जाए, चाहे 300 लोकेशन हो जाए। ओके, तो इनको आपको एक कॉपी बनानी है मैपिंग की, उस पर आपको लिखते जाना है ये सारी लोकेशन को। अब देखिए मैं यहाँ पर एक विशेष बात आपको और बता देता हूँ कि आपको देखिए यहाँ पर ये किसी स्टूडेंट ने लिखा है, मैं भूल गया हूँ किसने लिखा है, तो उन्होंने देखिए तीन लाइनें में लिख दिया, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही लाइन में लिखना है। ओके, ऐसे एक ही लाइन आपको बनाना है, 1 2 करके ऐसे नंबरिंग करके आपको लिखना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हो सकता है मान लेते हैं आपने यहाँ पर ग्रेट हिमालय लिख दिया, ओके, और यहाँ पर आपने फिर और हिमालय लिख दिए, तो ऐसा नहीं करना है, आपने ग्रेट हिमालय लिखा, फिर मान लेते हैं इससे कोई न्यूज़ आ गई, अब न्यूज़ आ गई तो आप कहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर आप न्यूज़ लिख सकते हैं ना, उसको करंट से अपडेट कर सकते हैं, तो इसीलिए आप इस तरह से लिखिए, ना कि उसको हौज पोज मत करिए, आपकी थोड़ी कॉपी भर जाएगी अभी, लेकिन बाद में आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो जितनी भी मैं लोकेशन देता हूँ उन्हें इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड करके मत लिखिए, उन्हें इस तरह से लिखिए, और सभी लिखिए। मैं जितनी भी देता हूँ लगभग कि अभी तक मैं शायद दे चुका हूँगा, तो 400 से 500 लोकेशन आप लोगों के लिए दे चुका हूँगा। और ये लोकेशन है, अभी आप लोगों के पास एक और डाउट है, ओके, आप लोगों का एक बहुत बड़ा डाउट है कि ये लोकेशन है, ये हम सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, उन्हें मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हमें कुछ समझ भी नहीं आता ये लोकेशन क्या है, तो आप अभी भूल जाइए। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूँ कि जैसे कि आपने इसको मार्क किया बे ऑफ बंगाल, ओके, तो बे ऑफ बंगाल है, इसको अभी क्या है ये मत सोचिए, क्योंकि अभी आप न्यू हैं, ओके, तो आपको इतना ही पता है कि बे ऑफ बंगाल है वो किधर है, हिंद महासागर में कहाँ पर है, भारत के उत्तर में है या फिर पश्चिम में या फिर दक्षिण में, इतनी लोकेशन तो आपको पता है ना। इसके बाद जब मैं मेंस कराऊंगा या फिर कुछ दिनों के बाद जब वीडियो डालूंगा, तो मैं बहुत अच्छे से इसमें समझाऊंगा कि ये क्या है, कैसा है, कि हमारा जो थार का मरुस्थल है ये क्या है, इसमें एशिया किसकी क्या कंडीशन है और क्या है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, कौन सी छोटी जो चोटी है, कौन सी ऊँची है, कौन सी ज्वालामुखी है, कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, तो आप इस चीज़ को टेंशन ना लीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक बात और है, देखिए ये सारा आपको मिल जाएगा हमारे ग्रुप पर, लेकिन ये मिल तो जाएगा, ये इस मंथ का, ये सेकंड मंथ का हमारा जो प्रोग्राम है उसकी मैंने दे दिया है, वन मंथ का, कि हमारी कैसी कैसी एनसीईआरटी चलेंगे, तो इनको आपको लिखना है। जैसे कि इसको एक टेबल बनाइए, टेबल बना करके आपको लिखना है, और जो लास्ट मंथ का है वो भी लिख लीजिए, आपके पास नहीं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूँगा। ओके, तो आपको ये सारी लिखनी है, टेबल बनानी है। टेबल क्यों बनानी है, ये इसलिए बनानी है क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था, मैंने बताया कि इस टास्क नंबर 6 का आपको रिवीजन करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा टास्क नंबर 6 में क्या है, जब आप इसको नोट करके रखेंगे, एक अलग कॉपी बनाएंगे, डायरी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए। ओके, तो आपको अब मैं कभी बोलूँगा आपसे कि टास्क नंबर 12 का आपको रिवीजन करना है, तो आपको समझ भी नहीं आएगा टास्क नंबर 12 में था क्या। ओके, तो टास्क नंबर 12 में जो कुछ भी है वो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप डायरी निकाल के देखेंगे कि अच्छा टास्क नंबर 12 में कि क्लास 10th की एनसीईआरटी थी हिस्ट्री की, तो मुझे उसका रिवीजन करना है, तो इसीलिए इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। और इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो एनसीईआरटी है वो कितनी पढ़नी है। अब देखिए यहाँ पर एक मैं और आपको एक डाउट है वो आपका क्लियर करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ये डाउट मैक्सिमम जो न्यू स्टूडेंट होते हैं और ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं उनको ज़्यादा डाउट आता है, जो कम से कम यूट्यूब देखते हैं उन्हें ये डाउट बहुत ही कम आता है। ओके, क्योंकि आप 10 लोगों को देखेंगे, 10 लोगों के इंटरव्यू देखेंगे, उनके 10 तरह के व्यू होंगे, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ और आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ, जो मुझसे 1-1.5 महीने पहले से जुड़े हुए हैं जो स्टूडेंट, उनको ये डाउट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ और मैं सारे डाउट सर्कल के क्लियर करता हूँ। अब देखिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या न्यू एनसीईआरटी पढ़े, देखिए कोई भी एनसीईआरटी आपके पास अवेलेबल है, आप कोई भी पढ़ सकते हैं। और दूसरा डाउट है, और अगर हाँ हिस्ट्री के, अगर आपको जो हिस्ट्री है उसकी अगर आपको ओल्ड मिल जाती है तो पढ़ लीजिए, अगर नहीं मिलती है तो भी कोई बात नहीं,
आप न्यू ही पढ़िए, क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे जो इकोनॉमिक्स हो गया आपका, जो आप थोड़ा सा सेक्शन आप देखेंगे कि जो हिस्ट्री है वो भी अब थोड़ा चेंज हो गया है, ओके। अब वो भी जब हमारा सिलेबस चेंज होता है अब उसमें अपडेट चीज़ें आती हैं, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा अपडेट होता है, तो जैसे कि इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे तो बहुत पहले की उसमें चीज़ें दी रखी हैं, लेकिन आप न्यू पढ़ेंगे तो उसमें नई चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको पेपर में काफ़ी हेल्प करेंगी, लेकिन मानते हैं कि जो हिस्ट्री है वो थोड़ी अच्छी है ओल्ड, तो हिस्ट्री अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो न्यू ही पढ़िए आप लोग, ओके। और देखिए अगर ओल्ड है जिनके पास वो न्यू ना खरीदें, वो ओल्ड ही पढ़ें, ओके। अब देखिए बहुत बड़ा डाउट है यहाँ पर कि हमें 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या 9 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ये डाउट तो मेरे स्टूडेंट जितने भी होने तो एकदम क्लियर है, लेकिन मैं आपको अब देखिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर, कि आपको 6 से 9 तक की या 8 तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। इसमें आप लोग टाइम बर्बाद बहुत ज़्यादा कर देते हैं, अगर नहीं मानते तो सच में आप लोग 100 बार तो इस बारे में सोच चुके होंगे अब तक, और 100 बार में अगर एक ही एक मिनट सोचे होंगे तो आपने 100 मिनट कम से कम बर्बाद कर दिए होंगे। अब देखिए ये जो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी हमको पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, आप देखिए मैंने इसमें टास्क दिया है, ओके। तो मैंने बताया 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ने में आपको 5 दिन लगेंगे, और अगर आप ज्योग्राफिक देखेंगे तो उसमें सिर्फ 4 दिन लगे हैं, तो यानी कि 4 दिन, और अगर आप टोटल देखें तो 4 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी हैं, तो इसमें आप 4 ही 4 दिन लगा लीजिए तो लगभग में 16 दिन होते हैं। अगर आप 4 दिन और बढ़ा लीजिए यानी कि 20 दिनों में, यानी कि 365 दिनों में से आप देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी ट्रेजडी है, ओके। 365 दिनों में अगर आप सिर्फ आप देख सकते हैं 20 दिन नहीं निकाल सकते किसी चीज़ के लिए, 20 दिन तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं छुट्टियों में या फिर कहीं, और इस 20 दिन में भी आपको सिर्फ कितना पढ़ना है, 3 से 4 घंटे, ओके। तो आप टोटल समय निकालेंगे तो कितना निकलेगा, टोटल समय आप निकालेंगे तो 20-22 घंटे ही ठीक से निकलेगा। तो आप इन 365 दिन होते हैं इसमें से आप सिर्फ जो 20 घंटे नहीं निकाल पा रहे हैं, ओके, तो आप इसके लिए कम से कम 20 घंटे से ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दे रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप ये एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आप जब ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे ये एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए थी या नहीं पढ़नी चाहिए थी। तो इस पर बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करिए, यानी कि लगभग में 8 से 10 दिन लगेगा, यानी कि आप लोग बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करिए, ओके। आपको सिर्फ 8 से 10 दिन में सारी एनसीईआरटी वो कवर हो जाएंगी, 6, 7 में कुछ ज़्यादा नहीं दिया रखा होता, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो 6, 7 की तो 2 क्लास की जो एनसीईआरटी है वो 1-2 दिन में ही आप कवर कर लेंगे, ओके। तो इस पर टाइम बर्बाद मत करिए, क्योंकि 4-5 दिनों की बात है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, तो इस बात को आप एकदम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो 6 क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपको लगता है मेरा बेसिक ठीक है तो 6, 7 के हटा दीजिए, लेकिन अगर मेरी माने तो आपको सारी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए एक बार, ओके। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि आप कुछ दिनों के चक्कर से आप हमेशा कि मैं 6 की पढ़ूँ ना पढ़ूँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल से कैसे ज्वाइन होना है, इसका कुछ प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ, जिससे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो एकदम बेसिक नहीं जानते हैं तो वो कैसे सर्च करेंगे, ओके। जैसे हमारा यूट्यूब है, आप यूट्यूब में जाएंगे, मोबाइल का इंटरफेस थोड़ा अलग दिखेगा, मेरा टैब इसलिए थोड़ा अलग दिख रहा है, तो परेशान ना होइए। तो सर्च बॉक्स में जा करके आपको सिंपल लिखना है क्लब IAS और एस्पिरेंट। देखिए स्पेलिंग ध्यान रखिए, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल सबसे टॉप पर दिख जाएगा, तो इस पर क्लिक करिए, आप हमारे चैनल पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये हमारा लोगो है, लोगो ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको ऊपर देखिएगा होम, वीडियो और प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट वाले पे क्लिक करना है, और देखिए यहाँ पर बहुत सारी आपको प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, लेकिन आपको यहाँ पर क्लिक करना है 1 ईयर प्रोग्राम वाले पर, इसके अगर आप ये देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ, देखिए इसका इंटरफेस थोड़ा अलग है, लेकिन आप जब प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें बहुत सारी वीडियो देखेंगे, तो आपको ये सारी वीडियो देखनी है, ओके। वन बाय वन करके देखिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आपको टेलीग्राम से मेरे कैसे ज्वाइन होना है, तो आपको टेलीग्राम पर आना है, ये मेरा टैब है इसलिए थोड़ा इंटरफेस अलग दिख रहा है, तो परेशान हो, तो आपको होम पेज पर जाना है, होम पेज पर जाने के बाद सर्च बॉक्स में क्लिक करना है और वहाँ पर लिखना है क्लब IAS एस्पिरेंट। तो ये हमारे चैनल का नाम ध्यान रखिए, जहाँ भी आप सर्च करेंगे मैक्सिमम जगह आपको मिल जाएगा, तो आपने जैसे क्लब IAS एस्पिरेंट लिखेंगे तो ये पूरा ठीक से लिख लीजिए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये हमारा चैनल है। और देखिए इधर इस साइड में आपको डिस्कशन का दिखेगा, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो डिस्कशन वाले पे चले जाएंगे, ओके। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर आप डिस्कशन वाले पे चले जाएंगे, जो हमारा सेकंड ग्रुप है जिसमें टेस्ट होता रहता है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, ओके। चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें
शेयर करिए। ओके।